आज का टाइम इंसाफ वाला नहीं है। हाँ, आज का टाइम चकाचौंध वाला है, मतलब पैसे वाला है, गरीब की तो नहीं चलेगा कोई। अरविंद केजरीवाल के नहाने की वजह साफ है, बिल्कुल नजर आ रही है, बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अपने वोट के टाइम पे मीठी मीठी बात करेंगे, तुम्हारे बेटा बन जाएंगे, भाई बन जाएंगे, तुम्हारे पोते बन जाएंगे, अब वोट लेने के बाद में राजा हो जाएंगे। आज 35 दिन हो चुके हैं, 35 दिन में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई मदद मिली है हमें? फोटोग्राफ्स अगर ध्यान से देखें तो आप देखिएगा पूरी तरीके से फोटोशॉप करी गई फोटोग्राफ्स है, क्योंकि जो उनकी माँ के साथ और निजाम के साथ फोटो दिखाई गई है उसमें आप बताइए, फोटो जब हम क्लिक करते हैं तो क्या लड़के के ड्रेस पे भी नीला नीला हरा हरा निशान आएगा जो माँ ने सूट पहने? नहीं आएगा ना, एडिटिंग ठीक से हुई नहीं है उनसे, उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में काम किया कि वो एडिटिंग भी ठीक से नहीं कर पाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज के प्रोटेस्ट का लगता है आपको असर पड़ेगा लोगों को? बिल्कुल असर पड़ेगा, और मुझे खुशी है इस बात की कि एक दिन में हमने मैसेज किया सबको और सभी लोग आए यहाँ पर एकत्रित हुए, लगभग 100 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे लोगों पे भरोसा है कि जिस तरीके से पहले मुद्दा बैठ गया था आप लोग बाहर निकलकर जरूर आएंगे और हमारी बहन बेटी को जरूर इंसाफ मिलेगा। अगर बात करें भारत की, भारत में इसी भारत में कई ऐसी बार होता है कि वारदात होने पर पूरा भारत एक हो जाता है, लेकिन इसमें लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, क्या वजह होगी इसकी? देखिए वजह यह है कि शुरू से ही पहले केस को तोड़ मोड़ करने की कोशिश की जा रही थी, बदलने की कोशिश की जा रही थी, और वो करने में सक्सेसफुल भी रही, जो भी टीम थी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। अब 15 दिन के अंदर सारे के सारे प्रूफ बदल दिए उन्होंने, निकाहनामा भी डाल दिया, फोटोग्राफी भी आ गई, पर वो सब एडिटेड है, मैं उसमें विश्वास नहीं करती। जब लड़का सही था वो 3 तारीख को प्रूफ लेके आता, एक बार बताओ नहर में पर्स फेंक दिया, नहर में मोबाइल फेंक दिया, उसके बाद वो चीजें वापस भी आ गई, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती इस चीज़ को। सबने अपनी राजनीति की रोटियां सेक ली, सब लोग आए पर कोई मदद नहीं की, 94 तक की मदद नहीं की उन्होंने। शर्म की बात है दिल्ली सरकार के लिए कि आप एक बार भी मदद के लिए आगे नहीं आए। जीत की आपने बात की, काफी वक्त लग जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अभी बात की जाए तो चल नहीं रहा है केस, वकील की बात कर ले, महमूद पराचा जी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है, तो अभी तो बहुत टाइम लगना है। अभी आपने एडवोकेट की बात की, तो मैं एक एक रिक्वेस्ट ये भी कहना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि ये केस जो है ना सीमा कुशवाहा जी लड़े, क्योंकि निर्भया का केस इन्होंने लड़ा था और 4 अपराधियों को उन्होंने तख्ते पे चढ़ाया था, फांसी के तख्ते पे, और मुझे उन पे पूरा विश्वास है अगर ये केस उनके हाथ में आ जाता है तो हमें जीत मिल सकती है। महमूद पराचा जी भी तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या सर है? एक बात बताइए कि महमूद पराचा जी को फोन उठाने का टाइम नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। कल जब हम कैंडल मार्च करने के लिए बात कर रहे थे तो हम चाहते थे कि हमारे एडवोकेट साहब भी हमारे साथ रहे, पर उनको टाइम नहीं मिला फोन उठाने का। माँ बाप ने 4 से 5 बार फोन किया, 10 बार फोन किया, पर उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने उठाया, उन्होंने एक बार भी बात नहीं की, तो मैं कैसे बोलूं? सीमा कुशवाहा जी को एक बार फोन करते हैं, वो एक बार में फोन उठाती है, जवाब भी देती है, और मुझे इन पे विश्वास है कि वो अगर केस को हाथ में लेती है तो इंसाफ मिलने की कुछ बात हो सकती है। वकील की बात करें तो कोशिश तो महमूद पराचा भी बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, लेकिन ये केस जो है अगर बात की जाए थोड़ा अलग टाइप का केस है, इसलिए आप चाह रहे हो कि? देखिए लड़की का केस है, लड़की का तो लड़की ही समझ सकती है, आप मान सकते हैं इस बात को, क्योंकि सीमा कुशवाहा एक बहुत ही मजबूत अपनी एडवोकेट है और टॉप 10 एडवोकेट्स में भी आती है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो इस केस को जरूर देखे और आए इस केस को लड़ने के लिए। महमूद पराचा जी निशुल्क लड़ रहे हैं, वो जो भी पैसा है वो कहीं ना कहीं आपको देना नहीं पड़ रहा, तो वो भी तो एक फायदा है। वो बात सही है सर, अभी तक इतना टाइम हो गया महमूद पराचा ने ये केस लिया है, पर एक बार भी उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई की? आप ये देखिए ना, माँ बाप का फोन तो उठाए, एक बार उनकी बात तो सुने, आए तो एक बार भी नहीं आए सर, आप बताइए जी। वो तो कह रहे थे कि मैं केस को लड़ूंगा, केस लड़ेंगे सर, फोन तो उठाए ना, फोन कहाँ उठा रहे हैं, फोन तो उठाए, ये तो हमें पहले सोचना चाहिए था, हम पहले बता रहे हैं बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। चाहते हैं कि सीमा कुशवाहा जी केस लड़े, मेरा मैं चाहती हूँ, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट, मैं टीना वर्मा आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि सीमा कुशवाहा जी, सीमा कुशवाहा वही है ना जिन्होंने निर्भया का केस, जो मीडिया बड़ी मीडिया है वो आ नहीं रही है, इंसाफ की है ना बात, इंसाफ नहीं कोई देखता, नहीं 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 आज का टाइम इंसाफ वाला नहीं है। हाँ, आज का टाइम चकाचौंध वाला है, मतलब पैसे वाला, गरीब की तो नहीं चलेगा कोई, पैसे वाले के लिए 50 खड़े हो जाएंगे, क्यों पैसा उस पे, गरीब पे जब है ही नहीं, वो कहाँ से उसके साथ जुड़ेगा कोई, गरीब के साथ कौन जुड़ता है, गरीब के साथ नहीं जुड़ता, कौन जुड़ता है बताओ, जनता पूरा भारत है, पूरा भारत, ये पूरा भारत है, कितने आदमी है, सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, पुलिस है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट के लिए आज तक क्या मतलब, सुप्रीम कोर्ट की पहली हियरिंग के मालूम कितना जाता है, 1 लाख रुपया गरीब आदमी दे देगा, कम से कम 1 लाख रुपया एक हियरिंग का लगता है, कम से कम 1 लाख रुपया लगता है, पुलिस है, प्रशासन है, यार पुलिस काम करे अपने, तो फिर दिक्कत क्या है,
दिक्कत ही क्या है, जरूरत क्या है, दबाव में काम होते हैं, पुलिस के हो और भी कोई जो काम हो, पॉलिटिकल दबाव में सारे काम होते हैं, उसके नीचे ही सब दबके काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल के न आने की वजह आपको क्या? अरविंद केजरीवाल के न आने की वजह साफ है, बिल्कुल नजर आ रही है, बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि उनका ये लड़की उसमें काम करती थी डिफेंस में काम, तो जरूर आना चाहिए तब तो भाई वो आएंगे तो हाईलाइट होगा तो केस आगे बढ़ेगा तो पोल पट्टी खुलेंगी। जो गरीब किस तरीके से आप देखते हैं गरीब को इस देश में? और गरीब तो कीड़े मकोड़े हैं इनकी नजर में यार, क्या अहमियत है गरीब की भाई, क्या अहमियत है, वोट लेना है और टैक्स से अपना काम चलाना है, इससे ज्यादा गरीब की अहमियत नहीं है। ऐसी नहीं बोल रहा है, 5-6 बरस ले वृद्धा पेंशन रोक दिया, 56 बरस 58 बरस वही तो कहने सुने तो है, यूज कैसा है देश आपके, गलत आदमी है ये, गलत आदमी को सिर्फ यूज करो फेंक दो, इससे ज्यादा नहीं है। अपने वोट के टाइम पे मीठी मीठी बात करेंगे, तुम्हारे बेटा बन जाएंगे, भाई बन जाएंगे, तुम्हारे पोते बन जाएंगे, अब वोट लेने के बाद में राजा हो जाएंगे, कोई आगे नहीं देखता। अच्छा आप बात करें बेटी के साथ जो यहाँ हुआ, अब क्या चाहते हैं आपके हिसाब से? हम तो ये चाहते हैं, फांसी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली का मामला है, पहले तो दिल्ली पुलिस इस पर संज्ञान ले, 0 FIR दर्ज करे, 0 FIR दर्ज करने के बाद में फिर इस पे CBI की जांच हो। हम ये चाहते हैं कि उनको फांसी हो, अभी तो कुछ भी हो ही नहीं रहा, मतलब रिमांड पे भी नहीं लिया गया, पूछताछ भी नहीं हुई, 1 महीना हो गया, ठंडे बस्ते में केस डल गया। क्या कह रहे थे आप अरविंद केजरीवाल? मैं यही कह रहा था जी, मैं इस केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही, आज 35 दिन हो चुके हैं, 35 दिन में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई मदद मिली है हमें? आज तक कोई मदद नहीं मिली, मैं हम इंसाफ चाहते हैं, हमें कोई खुशी नहीं है। इंसाफ आपकी नजरों में क्या है, आप किस तरीके का? हमारी नजरों में इंसाफ है कि उनको फांसी हो, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको फांसी हो और इनको मदद मिले। अच्छा। जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से मदद घोषित की गई है वो मदद इनको मिलनी चाहिए, मतलब हाँ। पैसे मिलने चाहिए, हाँ पैसे भी और रहने के लिए मकान भी। अच्छा। देखो क्यों, इन्होंने वादा किया है हमारी सर्विस में जो आदमी मरेगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, 1 करोड़ रुपया का वादा किया है ना अरविंद केजरीवाल ने, तो ये लड़की तो सर्विस में ही थी डिफेंस में तो नहीं, वही तो कह रहे तो 1 करोड़ का हकदार है ये लड़की, उसको मिलना चाहिए और उसके घर में से किसी को नौकरी मिलनी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए हैं दिल्ली के उसके लिए कि 1 करोड़ जो मेरे उसमें मरेगा उसको 1 करोड़ रुपया देंगे, डिफेंस में और ये लड़की तो 1 करोड़ का हकदार है वो मुआवजा लेने के। इंसाफ ये है और जो मुजरिम है उनको कानूनी प्रतिक्रिया के जरिए जगह वो सजा मिलनी चाहिए। अच्छा आप लोगों ने ये जो एक पोस्टर बना रखा है, क्या क्या पोस्टर बनाया आपने? मैं देखा कि एक लड़की की फोटो बना रखी है, वहाँ रो रही है, काफी तरीके के बना, तो इससे क्या पब्लिक के अपने ये जो मैंने बनाए हैं आज, ये सर झुका के एक लड़की बैठी हुई है, सर झुका के बैठी हुई, इसका मतलब ये है कि अभी लोग इनकी आवाज नहीं बन रहे, शांत हो गया सारा माहौल, ठंडे बस्ते में चला गया जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया। तो बहन राबिया ने खुद इसमें अपने पोस्टर के माध्यम से ये बोला है कि मेरी आवाज़ बने, मेरी इंसाफ की आवाज़ बने, मेरी आवाज़ बने, आगे आए आप लोग, क्योंकि ये सब लोग आगे आएंगे, यहाँ की जनता आगे आएगी तभी हमें न्याय मिल सकेगा, नहीं तो नहीं मिल सकेगा। तो मिस्ट्री तो बहुत बड़ी इसमें नजर, देखिए मैं तो जब आप पहले दिन आए थे मैंने तब भी आपसे कहा था कि पूरा का पूरा केस घुमाया गया है, ये तो स्टोरी बनाई गई है पूरी तरीके से, हुआ तो कुछ और ही है एक्चुअल में। आप रिकॉर्डिंग में सुनिए ज्योति ने क्या कहा है, ज्योति ने कहा है कि लड़की गई है मेरा सर के साथ, तो मैं कैसे कह लूँ, निजाम का तो कहीं नाम ही नहीं आया था उस पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर, तो हम कैसे मान सकते कि वो निजाम उसका पति है या फिर कुछ भी, जो झूठी मूठी कहानी बनाई गई है मैं उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। और आप फोटोग्राफ्स अगर ध्यान से देखें तो आप देखिएगा पूरी तरीके से फोटोशॉप करी गई फोटोग्राफ्स है, क्योंकि जो उनकी माँ के साथ और निजाम के साथ फोटो दिखाई गई है उसमें आप बताइए, फोटो जब हम क्लिक करते हैं तो क्या लड़के के ड्रेस पे भी नीला हरा हरा निशान आएगा जो माँ ने सूट पहने, नहीं आएगा ना, एडिटिंग ठीक से हुई नहीं है उनसे, उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में काम किया कि वो एडिटिंग भी ठीक से नहीं कर पाए। और ये बात मैं बता रही हूँ आपको कि हमारा प्रशासन इतना अच्छा है कि झूठे कागज भी आ सकते हैं, क्योंकि 2017 में मैंने एक केस लड़ा था, एक बच्ची थी 20 साल की जिसके साथ गलत हुआ था, जब उसको सेटलमेंट करने के लिए कहा, लड़की नहीं मानी, उसी पे कोर्ट के अंदर झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि इस लड़की ने हमसे पैसे लिए, पैसे चुका नहीं पाए इसलिए उसने हम पे रेप का इल्जाम लगा दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, झूठा कागज उसने कोर्ट का बनवा लिया, मैं तो वही दंग रह गई। तो मैं आज इस केस को 2021 में दोबारा मेरे सामने इस तरीके केस आया कि झूठे कागज बन गए, जब 3 तारीख को अपराधी नहीं आया था मैंने साफ कह दिया था, मैंने कहा यार आप 10-15 दिन के अंदर
कुछ भी हो सकता है और वही हुआ जो मैंने सोचा वही हो गया। लेकिन इसमें तो अपराधी सामने आ रहे हैं ना। अपराधी एक बात बताइए सर, सर सर एक बात, मोरा है सर, अपराधी की माँ, माँ तो माँ होती है ना, माँ कभी नहीं कहेगी मेरा बेटा अपराधी है खून करके आया है। माँ ने एक बार में कह दिया मेरे बेटे ने मार दिया लड़की को, कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, इसका मतलब सब सब मिला बगल बैठी हुई है ना, अंदर से कुछ खिलाया गया होगा उनको। पूरे पुलिस प्रशासन पे आप सवाल खड़ा करो, पुलिस ही तो है जो जांच करेगी तो कैसे मिलेगा। सीबीआई को केस सौंपा जाए, सीबीआई पूरी तरीके से केस को देखेगा, हम कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ हो जाए केस में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।